शिक्षा और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सजाना है तो अमेठी जिले के मुसाफिरखाना विकास खंड के धरौली नया कोट मार्ग पर स्थित प्राथमिक विद्यालय आए। सब पढ़े और गंदगी दूर बीमारी दूर के सरकारी नारों की सच्चाई यहाँ पानी में उतर रही है। जी हाँ, कई महीनों से विद्यालय परिसर तालाब सरीखा हो गया, आजकल यहाँ यही नजारा आबाद है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले नौनिहालों के सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है। तो वहीं विद्यालय में नियुक्त प्राधानाध्यापक रमेश कुमार ने बताया कि विद्यालय में कुल 107 बच्चों का नामांकन है। स्कूल परिसर में महीनों से दुर्गंधयुक्त गंदा पानी भर गया है। ये गंदा पानी पूरी तरीके से शारदा सहायक खंड 49 का है, जो किसानों द्वारा खेतों में सिंचाई करने के समय विद्यालय परिसर में अक्सर इकट्ठा किया जाता है। रमेश कुमार, पानी भरा हुआ है स्कूल परिसर में, बहुत गंदा पानी, कब से है? पानी आज 4-5 दिन से भरा हुआ है सर, और इसमें जो है वो नहर का पानी, जब लोग किसान अपने धान लगाने के लिए पानी ले जाते हैं तो नालियाँ, नाली टूटी है, वही नाली से आ जाता है। क्या क्या दिक्कत हो रही है पानी भरने, क्या क्या समस्या? पानी भरने सर, एक तो आने जाने के लिए यहाँ हमारे विद्यालय के लिए आने जाने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं है, और उसके बाद या तो कृषि भवन से होते हुए आते हैं या ये काशीराम आवास बना है, इसके बीच से बच्चे आते जाते हैं और उसके बाद जब ये पानी भर जाता है तो थोड़ा इसमें छोटे छोटे पौधे पहले निकले रहते हैं, वो सूखे रहते हैं तो उसी के थोड़ा बहुत फलने लग जाते हैं, उसी से ये इसमें मतलब लगने। तो क्या आपने इसकी शिकायत कही थी? अब सर पेपर न्यूज में अपना ले गए थे और पहले बिजली मतलब उसके पहले शिकायत अपने बीओ से एक बार मौखिक रूप से किए थे। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या बताएं? तो अधिकारी लोग कहते हैं कि मतलब ये नहर विभाग में सूचना दीजिए। क्या चाहते हैं? अब सर ये मिट्टी पटाई मतलब हो जाए, जैसे मान लीजिए प्रधान के माध्यम से या नगर पंचायत के माध्यम से या हमारे विभाग शिक्षा विभाग के माध्यम से किसी माध्यम से पटाई हो जाए। इस बार मिट्टी हम डलवाए हैं, काफ़ी मात्रा में मिट्टी डलवाए हैं और ये गड्ढे, यहाँ भी गड्ढा, सामने भी गड्ढा था। ये कि पहले जो है जहाँ तक बच्चों के लिए मतलब दुर्घटना का सबब है,